क्योंकि मॉड पैक इंस्टॉल करते वक्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपका गेम क्रैश हो जाएगा। उन लोगों से सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बार अपना मॉड पैक इंस्टॉलेशन है उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए। ऐसा व्यू मैंने आज से पहले ऐसा किसी भी मॉड पैक में नहीं देखा है। तो वेलकम है आप सभी का आज के इस वाली एक और न्यू वीडियो के अंदर। और यहाँ पे मॉड पैक प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA 6 का ग्राफिक्स मॉड पैक, और जो कि आपके गेम को बदलने वाला है कुछ इस तरीके से। ये वाला जो ग्राफिक्स मॉड पैक है इसमें आप जो है बहुत इन्जॉय करने वाले हो, क्योंकि इस ग्राफिक्स मॉड पैक के अंदर जो ग्राफिक्स आपको दिए जा रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ग्राफिक्स के अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको इस वाले एक ग्राफिक मॉड पैक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इस मॉड पैक को डाउनलोड करने का एक और एडवांटेज भी आपके पास रहेगा, वो एडवांटेज क्या रहेगा वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखनी है। और तो और इस मॉड पैक के अंदर कुछ ऐसी कार्ड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जिनके बारे में भी मैं आप आगे जाके आपको गेम प्ले के अंदर दिखाने वाला हूँ। और आप इस मॉड पैक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ फर्स्ट ड्राइविंग कर सकते हो, जो कि फर्स्ट पर्सन ड्राइविंग होती है वो आप इस वाले मॉड पैक के अंदर कर सकते हो ग्लोर स्क्रिप्ट की वजह से। और उसका जो व्यू होता है दैट इज़ इनसेन, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ये सब चीज़ें मैं गेम प्ले में दिखाने वाला हूँ। सो बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 20K के बहुत क्लोज आ चुके हैं अपन। तो मैं आशा करता हूँ कि यार आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दोगे, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं करने की वजह से काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज कि यार यू नो अपना जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। एंड अभी काफ़ी ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि एंड्रॉयड 13 में ये मॉड पैक चलता है, चलेगा कि नहीं। और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ग्राफिक्स मॉड पैक की, लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड 13 है और मेरा गेम इसमें चलेगा कि नहीं, और कुछ लोग डाउनलोड करते हैं और कुछ का क्रैश भी कर जाता है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉड पैक डाउनलोड करते हो मेरे वीडियो से तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो मॉड पैक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट ऑल आर कैपेबल फॉर एंड्रॉयड 13। जी हाँ, एंड्रॉयड 13 में चलने के लिए कैपेबल है। और जो मॉड पैक एंड्रॉयड 13 में नहीं चल सकते उनका भी जो है मैं आपको पूरा पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी वीडियो में दे दिया करूँगा। जो भी मॉड पैक की वीडियो होती है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वो चल सकता है कि मॉड पैक एंड्रॉयड 13 के अंदर कि नहीं चल सकता है, वो सब चीज़ें मैं वीडियो बता देता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियोज़ को एक बार पूरा अच्छे से देख लो। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो पासवर्ड होने वाला है ना इस वाले मॉड पैक का, वो पासवर्ड होने वाला है इसी वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो के अंदर आगे जाने के बाद। जी हाँ, पासवर्ड को थोड़ा सा मैंने इस बार मिस्टीरियस रखा है, क्योंकि मैं आप सभी से चाहता हूँ कि यार आप एक बार वीडियो को पूरा देखो। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और साथ में आपको मज़ा भी आएगा। तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ करी है इस बार। तो मैं होप करता हूँ कि ये सभी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही हो। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो मेरे को, अगर आपका गेम क्रैश करता है किसी भी वजह से, अगर आप मॉड पैक डाउनलोड करते हो और गेम आपका क्रैश कर रहा है, चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है आपका गेम, तो आप मुझे DM कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पर और डिस्कॉर्ड पर, जहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी मैंने लोगों का रिप्लाई करा है। और आप लोगों का भी अगर गेम क्रैश हो रहा है तो मुझे DM करो और उसके बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइस, मुझे लगता है बातें हो चुकी है एंड हम अब चलेंगे सीधा सीधा अपने गेम प्ले के अंदर और देखेंगे कि हमारा जो गेम प्ले है वो आखिर में कैसा दिखने वाला है। सो लेट्स गो ऑन टू दी गेम प्ले। तो ये आ गए अपने गेम में, और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो जो ग्राफिक्स है, जो ब्राइटनेस लेवल है और जो कलरफुल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कलर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दैट इज़ अमेजिंग। और उसके अलावा जो यहाँ पे आप वेजिटेरियन देख सकते हो वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऑल्दो अभी मैं पहाड़ी पे गया नहीं हूँ। बट या उसके अलावा जो आपको यहाँ पे सन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में ग्लो करते हुए आपको दिखाई देगा, जो कि आपको फील करवाएगा कि आप एक अच्छा ग्राफिक्स मॉड पैक यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा कुछ कार्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ ऐसे लिमिटेड स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं जो कि आपको इस वाले ग्राफिक्स मॉड पैक के अंदर मिल जाएगी। और कार्ड्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप उनकी DFF फाइल्स भी ऐड कर सकते हो इस वाले मॉड पैक के अंदर, बिल्कुल अनलॉक्ड मॉड पैक है ये। और उसके अलावा कुछ कार्ड्स के जो रिफ्लेक्शन है वो आपको एक्चुअल में बहुत अमेजिंग दिखने वाला है। अगर आप इफ़ यू प्ले ऑन हाई सेटिंग्स आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स दिखने के लिए मिलने वाले
वाला है, क्योंकि यार लिटरली ये वाला जो मॉडपैक है इसमें जो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी है वो आई थिंक थोड़ी सी बढ़ी गई है, और रिफ्लेक्शन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गेम के अंदर। अगर आपके गेम में रिफ्लेक्शन होता है अच्छा कार्ड्स के ऊपर, आपका गेम आपको खेलने की इच्छा ज़रूर होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड कुछ ऐसी इंडियन कार्ड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो जितना मैंने एक्सप्लोर किया है इस वाले मॉडपैक के अंदर। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, मॉडपैक को डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा नाइट मोड में आपका जो गेम है ये इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है, जो लाइटिंग्स है दैट आर अमेजिंग, जो रोड टेक्सचर्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ यूनिक जो है टाइप के रोड टेक्सचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ऐसे रोड टेक्सचर्स मैंने अभी से इससे पहले कोई मॉडपैक में नहीं देखे, जो कि एक्चुअली बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्चुअली यहाँ पे कुछ क्लोज स्क्रिप्ट्स को आप देख सकते हो मैंने यूज़ किया था, तो मैंने कुछ बटन दबाया था और मुझे नहीं पता इस मॉडपैक के अंदर ऐसा क्या फीचर है जिससे कि यह पूरा का पूरा जो इसका कैमरा है वो चेंज हो चुका है और ऐसा व्यू आ रहा है ना, जिससे कि ऐसा व्यू मैंने आज से पहले ऐसा किसी भी मॉडपैक में नहीं देखा है। ये वाला व्यू आज से पहले मैंने किसी मॉडपैक के अंदर नहीं देखा है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है। हाँ कहीं ना कहीं ये ऑकवर्ड लग सकता है, बट इसका एडवांटेज भी आप उठा सकते हो अगर आप GTA San Andreas के मिशंस कर रहे हो। और हाँ भाई, GTA San Andreas के भी आपको बहुत सारे मिशंस मिल जाएंगे, जो भी GTA San Andreas के मिशंस है वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे इस वाले ग्राफिक मॉडपैक के अंदर। तो एक्चुअल में ग्राफिक्स मॉडपैक बहुत औसम है और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करने वाले हो, बहुत सारी सी मॉडिफिकेशंस है जो आप खुद से भी कर सकती हो, और आई डोंट थिंक यार ये गेम लैग करने वाला है लो एंड डिवाइसेज में स्पेशली, क्योंकि ये जो मॉडपैक है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जी हाँ गाइस, कुछ ही लिमिटेड MB में है, मुझे याद नहीं आ रहा है कितनी MB का है। आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि कितनी MB का ये मॉडपैक आपके लिए होने वाला है। और उसके अलावा इस वाले ग्राफिक मॉडपैक के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ग्राफिक्स क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक क्वालिटी की मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आई थिंक आप सभी लोगों के माइंड में इस ग्राफिक मोड से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो है खत्म हो चुकी है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो यार डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पे आप आकर के मुझसे पूछ सकते हो। एंड या गाइज, अगर आपका गेम आप डाउनलोड कर लेते हो और इंस्टॉलेशन की बारी आती है, तो इंस्टॉलेशन पे हमें क्या करना है गाइज? सिंपली आपको इंस्टॉलेशन पे कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, इंस्टॉलेशन की आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, आप इंस्टॉलेशन की वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है इंस्टॉलेशन की, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर आप मेरे चैनल से कोई भी मॉडपैक को डाउनलोड करते हो तो उसको आप कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, वो मेथड मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो मॉडपैक है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होए विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि मॉडपैक इंस्टॉल करते वक्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपका गेम क्रैश हो जाएगा, आपका गेम नहीं चलेगा, और फिर आप मुझे कमेंट में आकर बोलोगे कि आपका मॉडपैक क्रैश कर रहा है, भाई मॉडपैक डाउनलोड मत करो। तो काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं अगर ऐसे कमेंट देखते, तो इवन मैं भी बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ जब मैं इतनी टेस्टिंग करने के बाद में और जब मॉडपैक को अपलोड करता हूँ मैं, तब मुझे ऐसे कमेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली लोग इंस्टॉलेशन अच्छे से वॉच नहीं करते, इंस्टॉलेशन नहीं करते, या उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ चीज़ें करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से गेम क्रैश करता है, एंड देन वो आकर के क्रिएटर को ब्लेम करते हैं। तो मैं उन लोगों से सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बार अपना जो मॉडपैक इंस्टॉलेशन है उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है उसके बाद भी गेम क्रैश कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे DM करिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे क्रैश नहीं करता है, बट हाँ अगर आपके पास एंड्रॉयड 13 है तो क्रैशेस के कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फंक्शंस की वजह से फाइल्स पेस्ट नहीं हो पाती है करेक्टली, कुछ ना कुछ फाइल मिसिंग हो जाती है, और जो कि अगर एक भी फाइल मिस होती है आपके गेम के अंदर तो आपका गेम क्रैश कर जाता है या फिर अच्छे से नहीं चलता है। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है एंड्रॉयड 13 के अंदर, और अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 10 अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो एक्चुअली आपका जो गेम है बहुत ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब तक आप कोई गलती नहीं कर देते आपका गेम बहुत अच्छे से चलने वाला है, अगर आपने कोई गलती करी तो आपका गेम ऑब्वियसली बातें क्रैश करेगा। सो ये था गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe this channel, and also press the bell notification icon, turn on the bell notification icon so that you are notified for the next video, and main guys milunga next video. Thank you so much for
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट करने के लिए, तो उससे भी बड़ा थैंक यू एंड बाय गाइज़।